आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस कार्य समिति में प्रदेश के हर कोने, ग्वालियर, चंबल और टीकमगढ़ और बुंदेलखंड से लेकर निमाड़ तक, मालवा से लेकर विंध्य और रीवांचल और जबलपुर संभाग तक एक एक कार्यकर्ता इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड जीत विधानसभा के बाद और एक नया कीर्तिमान लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के झोली में प्रदेश की जनता ने दी है। इन दोनों कीर्तिमानों के बाद ये कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस पहली बात हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज भारत में बनी है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक किसी एक पार्टी ने तीसरी बार एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की कमान दी है, जिसके आधार पर देश को विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगन के साथ, तन मन के साथ, शरीर की एक एक पसीने के बूंद के साथ इस भारत माता को 2047 तक विश्व के नेतृत्व करने वाली देश में परिवर्तित करने का प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम साकार करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपना अस्तित्व जनता के दिल में खो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी का 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला, जिस कांग्रेस पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा, केवल 26% स्ट्राइक रेट रही, और जिस कांग्रेस पार्टी के तीनों आंकड़ों को देख लो आप, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, और उन तीनों सीट के आंकड़ों को अगर तीन चुनाव मतलब 15 साल के चुनाव के भी आप आंकड़ों को जोड़ लो, आज भी 239 के आंकड़े तक वो कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची है। तो जो कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है, जनता में उसका स्थान नहीं, अपने आप धरातल से हटकर बयान करती है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, देश की जनता ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका जगह कहाँ है, और अपने गिरबान में झांक कर अपना अस्तित्व को पहचान कर तभी अपना वक्तव्य वो कांग्रेस पार्टी दे।